नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है रौनक अग्रवाल और आज का ये वीडियो जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। और पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन करने की, क्योंकि अभी आपके मन में सबसे पहले डाउट यही आएगा कि अभी तो एग्जाम के लिए एक महीना है, अभी से इस बारे में सोचने का क्या फर्क पड़ता है। ये तो हम एग्जाम के एक दिन पहले या दो दिन पहले सोचेंगे ना कि हमको कल क्या पढ़ना है। इस तरीके से आप अगर करेंगे ना तो आई थिंक ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा मटेरियल उठाना है, या आपने अगर कोई प्री प्लानिंग नहीं करी होगी तो आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ। अब आप सोच के देखो कि आपके पास कितना टाइम रहेगा, तब आपके एग्जाम्स कंटिन्यूस होने वाले हैं, कोई भी गैप नहीं रहेगा उस बीच में। अगर आप एक पेपर सुबह देकर आते हैं वापस और आपको अगला पेपर सुबह 9 बजे देने जाना है जैसे कि, तो आपके पास जो टाइम रहेगा, आपके 6 घंटे सोने के अलग कर दीजिए, आधा घंटा एग्जाम के आने जाने के हॉल आने जाने के पहले का अलग कर दीजिए, तो और 3 आवर एग्जाम के, तो इन टोटल आपके 10 आवर्स यहाँ से सीधे सीधे चले गए, बचे 14 आवर्स। इसमें आपको अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ करना है, आपको अपने जो ब्रेक्स लेते हो आप वो भी इसमें करना है, और इसी बीच में आपको वो एक सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है जो शायद आप आज वो एक सब्जेक्ट 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर पा रहे होगे, वो सब्जेक्ट आपको उस 14 घंटे में कंप्लीट करना है। डज इट साउंड्स लाइक इट इज पॉसिबल? अभी इट वोंट, लेकिन आपको वो चीज़ पॉसिबल करनी है। अभी कैसे करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। इसके अलावा एक फैक्टर और है जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। देखिए, आप एग्जाम देंगे लगातार, जब आपका 9th एग्जाम होगा या 8th एग्जाम होगा तो वो आप देंगे 8 या 9 दिनों के बाद। अब उन 8-9 दिनों में बीच में आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं रोज, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो आपने आखिरी बार कब पढ़ा होगा, वो आपने 10 या 12 दिन पहले पढ़ा होगा, और उन 10-12 दिनों में आपका उस सब्जेक्ट से पूरा का पूरा फ्लो टूट चुका होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आपका फ्लो टूट जाएगा तो जब आप वो सब्जेक्ट 9 दिन 8 दिन बाद उठाएंगे तो आपके लिए वो सब्जेक्ट एक तरह से फिर से नया टाइप का लगने लगेगा, क्योंकि आपको बैक टू बेसिक से अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर गलती की चांसेस बढ़ने जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? जो बच्चे शायद अटेम्प्ट दे चुके होंगे उनको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है जो एग्जाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करता है। ये चीज़ क्लियर है क्या? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ की प्रिपरेशन करने की, अब कैसे आपको उस चीज़ को टारगेट करना चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको रिड्यूसिंग ऑर्डर में रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी सजेस्ट की थी, उसका लॉजिक एक्चुअली में यही था। आज आप जो सब्जेक्ट 3 दिन में प्रिपेयर कर रहे हो या 2 दिन में प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप उसको रिड्यूसिंग ऑर्डर में रिवाइज करोगे, यानी कि आपने पहला रिवीजन 9 या 10 दिनों में कंप्लीट किया, अगला रिवीजन 6-7 दिनों में कंप्लीट किया, अगला रिवीजन 5 दिनों में, अगला रिवीजन 4 दिनों में, तो आप सेम वॉल्यूम ऑफ स्टडीज, सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेबस कम टाइम में करते जाओगे। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि आप आज 3 दिन में कर रहे हो और आपको कल वो सब्जेक्ट 14 घंटे में कंप्लीट करना है, डैट इज इम्पॉसिबल। आप अगर उसको पहले 3 दिन से 2 दिन में लाओ, 2 दिन से आप 1 दिन पे लाओ, 1 दिन से आप उसको 14 आवर्स में लाओ, तब वो चीज़ पॉसिबल है, और उसी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी, जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो ये जो रिड्यूसिंग ऑर्डर का रिवाइज करने का, ये मेरे एग्जाम्स में मेरे को बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता था। इसके अलावा एक जो बहुत क्रूशियल फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए कि आपको वो 14 आवर्स में यानी कि लास्ट दिन में क्या करना है, और वो आपको आज डिसाइड करना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन आज से शुरू करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से नोट्स उठाने हैं, कौन से नोट्स उस टाइम पर उठाना परफेक्ट रहेगा, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके सेल्फ मेड नोट्स, आपके चार्ट्स, आपके रिवीजन नोट्स जो आपने कहीं से अरेंज करे हो, आपके मॉड्यूल्स में अगर आपने कोई मार्किंग करी हो, आपके कोचिंग के रेफरेंस नोट्स में अगर कोई मार्किंग वगैरह हो वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है क्या? या आपने कोई भी तरीके के जो भी नोट्स हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ डिफाइंड होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, और अगर नहीं है कोई भी चीज़ डिफाइंड करना तो आज उसको डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो और वो अरेंज करो आज से, क्योंकि अगर आप अब अरेंज करना शुरू करोगे तो तब जा करके आप सेटल रहोगे कि हाँ मुझे क्या करना है, यू नो डैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए, सो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्टर हो गया। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशंस है कि मैं क्या करता था लास्ट टाइम पर। एक तो मैं, अब मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हुए थे मैं वो रेफर करता था, उसके अलावा मैं एक अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर लेता था आधे या 1 घंटे के अंदर कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, जस्ट टू हैव अ ओवरव्यू ऑफ इट।
इसके अलावा मैं पास्ट पेपर्स जो है रिसेंट 3-4 अटेम्प्ट्स के एक बार वो गो थ्रू कर लेता था एग्जाम्स जाने के पहले, क्योंकि मेरा हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आती हैं, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरीके का एग्जाम्स पैटर्न चल रहा है, तो एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है एग्जाम्स में। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, ये हाईलाइट करना, आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताना कि लास्ट डे की प्रिपरेशन आपको आज से शुरू करनी है। ये चीज़ क्लियर है क्या? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा आपके जून एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो या कोई भी और तरीके के टॉपिक हो जिसमें आपको हेल्प चाहिए हो तो आप वो मुझे कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल।